किसी भी कार्य को आरंभ करने से पूर्व इष्ट देवता के स्मरण परंपरा का निर्वाह करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं, तीनों लोकों के स्वामी परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु है, वे ही कार्य साधक है, अतः उनके चरण कमलों में मेरा प्रणाम। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए जो उसके लिए उचित, वो कम परिश्रम से अति फलदायक हो। जिस मनुष्य पर परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि व स्नेह बन जाते हैं, उसके सभी कार्य स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। लक्ष्मी जिसके लिए मातृ स्वरूप और ईश्वर के भक्त बंधु बांधव हो जाते हैं, उसके लिए समस्त संसार तीनों लोक ही उसके गृह बन जाते हैं, उसके लिए वही उसका निवास स्थान बन जाते हैं। जब परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु ही इस समस्त संसार रूपी सृष्टि का पालन पोषण करने वाला है, मुझे अपने जीवन में भला किस बात की चिंता करना। अगर परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु इस जगत का पालनहार न होता तो शिशु के जन्म लेते ही माँ के स्तनों में दूध कैसे आ जाता। हे लक्ष्मीपति, हे यदुपते, हे त्रिभुवन के स्वामी, आपकी सृष्टि पोषक होने पर विश्वास करते हुए मैं आपके चरण कमलों की सेवा में अपना सर्वस्व जीवन व्यतीत करता हूँ। मैं अपना सारा समय आपकी सेवा में व्यतीत करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरा भी यथोचित पालन पोषण अवश्य करेंगे। कलयुग में 10,000 वर्ष व्यतीत होने पर भगवान विष्णु पृथ्वी का त्याग कर देते हैं। 5,000 वर्ष व्यतीत होने पर गंगा जल पृथ्वी को छोड़ देती है और 2,500 वर्ष व्यतीत होने पर ग्राम देवता पृथ्वी का त्याग कर देते हैं।